हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम गूगल शीट पर काउंटिंग फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पुराना रिकॉर्ड होगा और उसी में हम ये देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एक रिकॉर्ड हमारे पास पहले से मौजूद है और इसमें हम काउंटिंग फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो इत्मीनान से इसको और बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, काउंटिंग फॉर्मूले के प्रयोग से होता क्या है। देखिए, ये दो फॉर्मूले का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ टू फॉर्मूलाज। एक काउंट है और दूसरा इफ है, ठीक है। काउंट एक टेक्स्ट फॉर्मूला है और इफ एक कंडीशनल फॉर्मूला है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है इसको। इसे हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे एक क्राइटीरिया दे करके ये पता कर सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल है, कितने सब्जेक्ट में पास है, कितने सब्जेक्ट में 50 से कम पाया, कितने सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा पाया। इस तरह की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं किसका यूज़ करके, काउंटिंग फॉर्मूले का। तो अभी हम यहाँ पे फेल्ड इन सब्जेक्ट निकालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कितने सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम कर्सर को और इज इक्वल टू का निशान बनाएंगे, लिखेंगे काउंट और इफ़ ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि टोटल नहीं करना है। आपको कहाँ तक सेलेक्ट करना है, यहाँ देखिए D2 से लेकर, और आपको सेलेक्ट करना है H2 तक। तो D2 से लेकर H2 तक हमने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा देंगे, डबल इंटेड कोट्स में क्या लिखेंगे, अगर इनमें रखी हुई वैल्यूज बड़ी हो किससे, 32 से, ठीक है, तो वो संख्या हमें बता दीजिए स्टूडेंट्स की, जो भी वैल्यू 32 से बड़ी हो वो कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस जो है रो में 32 से बड़ी हैं, यानी 32 से। इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो देखिए, पांच सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पांचों सब्जेक्ट में ये बच्चा पास है। तो इसमें पाँच आया, तो देखिए ये फेल्ड इन सब्जेक्ट निकालना है हमें, ये भी ध्यान देना है हमें। तो यहाँ पे फॉर्मूले को मैं एडिट करता हूँ और इस जो साइन है इसको मैं उल्टा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इंटर करूँगा तो ये फेल्ड इन सब्जेक्ट, तो कितने सब्जेक्ट में फेल है, तो 0 सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, पास्ड इन सब्जेक्ट, पास्ड इन सब्जेक्ट, ठीक है। तो पास्ट इन सब्जेक्ट में हम इसी साइन को उल्टा लगा देंगे, मतलब कि फेल्ड इन सब्जेक्ट में जो लगाया उसके ठीक उल्टा। तो यहां लिखेंगे काउंट इफ और सेलेक्ट कीजिए यहां से यहां तक, और इसके बाद कॉमा दीजिए, डबल इंटेड कोट्स में बड़ा हो 32 से ये दे दीजिए, और उसके बाद एंटर करिएगा तो यहां पे 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं कितना आसान है इसमें काम करना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 39 है ये, अगर मैं यहाँ पे 21 कर देता हूँ तो यहाँ पे चेंजिंग देखिए अपने आप। आपको इन दो कॉलम्स को गौर करना है, मैं अभी बताता हूँ आपको कि इनको गौर करना है, आपको इन दो कॉलम्स को देखना है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। इन दो कॉलम्स को आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये दो कॉलम्स हैं, इनको आपको ध्यान देना है। जब मैं यहाँ कुछ चेंजिंग करूँगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए फिजिक्स में मैं 21 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने आप 1 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, देख रहे हैं आप। ये काउंटिंग फॉर्मूले का यूज़ है और इसको गूगल शीट पर लगाना आपने नहीं सीखा होगा, तो इस वीडियो से आप ज़रूर सीख लीजिए कि इसको गूगल शीट पर कैसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 39 है, इसको मैं करता हूँ 31, जैसे मैं 31 करता हूं तो यहां पे देखिए यहां पे 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है ये लड़का, ठीक है। यहां पे रखेंगे, यहां पे करेंगे 21, तो जैसे ही 21 करूंगा ये भी 1 सब्जेक्ट में, देखिए यहां पे देखिए 21 जैसे ही मैंने किया तो यहां पे 1 सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल हो गया। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।